हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम स्विच केसेस को यूज़ करते हैं। मैं इसमें आपको स्विच केस का यूज़ भी बता रहा हूँ और नेस्टेड इफ्स जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था उसका भी यूज़ करूँगा। तो मैं दोनों कंडीशनल ऑपरेटर का एक ही प्रोग्राम में यूज़ करके बता रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना बताया था, किस तरीके से हम तीन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को निकालेंगे। इसमें हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दो के बीच में चॉइस लिख देंगे आपको। अगर आप चॉइस वन डालेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट करके देगा वो, और अगर चॉइस सेकेंड डालेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करके देगा। तो ये चॉइस किस तरीके से बनाई जाएंगी मैं सबको आपको बताऊँगा। तो डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। ये तीन नंबर मैंने फ्लोट टाइप के ले चुका हूँ मैं। अगर आपको ये किस तरीके से लेने हैं अगर आपको नहीं पता हो तो मेरा पिछला ट्यूटोरियल फिर से देख लीजिए। सबसे पहले एंटर चॉइस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चॉइस अगर आप डालेंगे इनपुट में तो वो ग्रेटेस्ट बताएगी, ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट करके बताएगी आपको। और अगर सेकंड नंबर चॉइस में डालेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ये हमने चॉइसेस ले लिए। अब हम एक मैसेज देंगे एंटर योर चॉइस के लिए यूज़र को, जो भी उसकी चॉइस हो वो यहाँ पर वो इनपुट करे। थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं इसको। इस तरीके से मैंने लिख दिया है एंटर योर चॉइस। अब एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सी एच, जो कि चॉइस होल्ड करेगा। वो सी एच फ्लोट नहीं ले सकते हैं, इसलिए सी एच एक इंटीजर होगा, या तो वन या तो टू। तो एक इंटीजर में एक सी एच वेरिएबल स्टोर कराना पड़ेगा। सी एच इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पास एंड बी आर डॉट रीड। तो ये चॉइस हम एंटर कर लेंगे यूजर से। उसको अब एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा स्विच, और उसको स्विच करना पड़ेगा हमको सी एच स्विच। और अब हम चालू करेंगे केस वन। मान लीजिए जो यूज़र ने चॉइस डाली है वो वन है, तो जो भी सी एच की वैल्यू होगी वो उस वाले केस पर जाएगा, और जो भी उस केस के अंदर परफॉर्म हो रहा होगा वो उस चीज़ को परफॉर्म करके आपके सामने आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो जैसे हमने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है हमें, क्योंकि जो केस वन है वो ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट करके देगा। तीन नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट होता है। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया ग्रेटेस्ट नंबर, और ऐसे ही मेरे को केस टू क्रिएट करना पड़ेगा। केस टू जो होगा वो आपको बता दूं मैं, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लेस देन साइन यूज़ करना पड़ेगा। सब जगह लेस देन साइन लगा दीजिए आप, और ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट कर दीजिए, इतना आपको इंटरचेंज करना है। तो ये हो चुका है और ये प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं, पर एक गलती जो कि कॉमनली सब करते हैं, स्विच के बाद सेमीकोलन लगाने की। जब हम स्विच के बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, सेमीकोलन का मतलब ही ये होता है कि हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्विच के बाद कभी सेमीकोलन नहीं आएगा। उस स्विच के बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए और उन दोनों केसेस को उस स्विच के अंदर रख दीजिए। अब मान लीजिए एक और बात कि जो सी एच है वो ज़रूरी नहीं आप इंटीजर हैं, उसको आप कैरेक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कैरेक्ट केस ए केस बी इस तरीके से भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जी और एस कर देता, और जैसे ही अगर आप जी डालते इनपुट में, सी एच के इनपुट में अगर आप जी डालते तो ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट हो जाता, और एस डालते तो स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट। इस तरीके से भी हम प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। वो आप करके दिखाइएगा।
और अगर उसमें कुछ एरर आया तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको, ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा वो आपको बता दूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रन करने से पहले मैं एक बात भूल गया आपको बताना, ब्रेक स्टेटमेंट। स्विच केस जो होता है वो ब्रेक स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है। अब आप किस मान लीजिए केस वन सी एच की वैल्यू वन थी, तो वो केस वन को रीड करेगा और केस टू को भी रीड कर लेगा, क्योंकि मैंने उसको स्टॉपेज तो कुछ लगाया नहीं, केस वन के बाद केस टू पर नहीं जाए वो। तो उस स्टॉपेज के लिए, स्विच केस के बाहर निकलने के लिए हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। जब भी हमारा कोई भी केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाकी केस फॉल्स हो जाने चाहिए, तो फॉल्स हो जाने के लिए उस केस के एंड में हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे हम, डायरेक्टली उस स्विच केस के बाहर आ जाएगा हमारा कंपाइलर। तो यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख दीजिए आप, और यहाँ पर else if ज़रूर लगा दीजिए, थोड़ी बहुत एरर हो गए थे। और ये ब्रेक स्टेटमेंट मैंने उस समय फालतू में ही रन कर दिया था। चलिए ब्रेक स्टेटमेंट, अब एक लास्ट स्टेटमेंट जो कि है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या करता है मैं आपको बता दूँ। डिफॉल्ट स्टेटमेंट का काम होता है, अगर मान लीजिए यूज़र ने सी एच की वैल्यू 5 डाल दी, तब तो केस है ही नहीं, ना केस वन है ना केस टू है, तो वह एरर जनरेट नहीं करता है, वो अपने आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट पर जाएगा और जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर होगा वो आपके सामने प्रिंट पर आ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं भी बनाया, तो जैसे कि उसका नाम है डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट ही काम करेगा वो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके प्रोग्राम में, कोई एरर जनरेट नहीं होगा अगर आपने सी एच की वैल्यू 5 भी डाल दी तो, और डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखना भी भूल गए तो। और आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट हर स्विच केस में लिखिए, जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि क्या गलती हुई है और कहाँ गलती हुई है। तो यहाँ पे डबल कोट्स बंद कर दीजिए रॉन्ग चॉइस के बाद। अब प्रोग्राम को रन करिए, एंटर थ्री डेसिमल नंबर्स 12.345 12.435 एंड 12.678। अब आप क्या चॉइस डालेंगे वो आपके ऊपर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है, तो सी इज द ग्रेटेस्ट जो कि आपको दिख रहा है क्लियरली। और ऐसे ही अगर आप सेकंड चॉइस डालते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर करके फिर से इस प्रोग्राम को रन करके स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, 12.34345 12.435 123.456। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इसमें देखते हैं हम, सेकंड चॉइस डालेंगे हम, एंटर योर चॉइस, सेकेंड इज दी स्मॉलेस्ट। तो ये था आपका प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको स्विच केस के बारे में बताया, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया, ब्रेक स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं और डिफॉल्ट कीवर्ड क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसको मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।